ऑफ पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। 26 जनवरी को आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हो रहे हैं। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत की गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट बने हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का कारण यह है कि आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से हर वर्ष इस दिन गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। वहीं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वे भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। इस समिति ने 1946 से 1950 तक काम करके भारतीय संविधान का निर्माण किया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। ये चिन्ह सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। ये स्तंभ चारों दिशाओं में 4 शेरों को दर्शाता है, जो आत्मविश्वास, अधिकार, साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि 4 में से केवल 3 ही प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, जबकि इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में मोर को मयूर कहा जाता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने से पहले काफी सोच विचार किया गया था। 1961 में इसे लेकर भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें विचार किया गया था कि जिसे भी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए उसकी देश के सभी हिस्सों में मौजूदगी भी होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय पक्षी को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। बता दें कि मोर को कार्तिकेय के वाहन मुर्गन के रूप में भी जाना जाता है। वहीं भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाई पड़ता है। 26 जनवरी 2001 को जोरदार भूकंप से गुजरात कांप उठा था। इस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की मौत हुई थी। गुजरात का भुज शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 से 7.9 के बीच थी। इसका असर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और साउथ भारत तक पड़ा था। इस भूकंप में हजारों लोगों की मौत के साथ ही हजारों की संख्या में लोग इमारतों के मलबे में भी दबे थे। भुज के एक स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चे मलबे में दब गए थे।